स्वागत है आपका वर्टेक्स लर्निंग पॉइंट पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में, यानी मिरर कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिरर कितने टाइप के होते हैं। तीन टाइप के, कौन कौन से? प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर एंड पैराबोलिक मिरर। कौन कौन से? प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर एंड पैराबोलिक मिरर। हालांकि पैराबोलिक मिरर हम लोग के सिलेबस में नहीं है तो हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बारे में। हालांकि स्फेरिकल मिरर का भी टाइप क्या होता है? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है? सब स्फेरिकल मिरर के ही से ही बनते हैं, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक बार, ठीक। अब मैं बता दूं आपको कि प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? प्लेन होता है। क्या? वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो उसे क्या कहते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं। जैसे कि मैंने डायग्राम बना रखा है, देखिए एक मिरर दिख रहा है, नीचे की तरफ क्या है? पॉलिशिंग करी गई है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? ऊपर की तरफ है। इस तरह की आई स्ट्राइक करी और रिफ्लेक्ट होकर चली गई, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? प्लेन है। तो प्लेन मिरर कौन सा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? प्लेन हो। अब आ जाते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर पे। क्या स्फेरिकल मिरर? देखिए स्फेरिकल मिरर का मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है। अब स्फेरिकल मिरर को जब हम लोग कट करते हैं तो हम क्या बनाते हैं? दो टाइप के और मिरर बनाते हैं जो हमारे इस सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जब भी हम लोग कट करते हैं तो स्फेरिकल मिरर को आप देखिए, मैंने कट कर रखा है, कट करने के बाद एक में अंदर की तरफ पॉलिशिंग है और एक में बाहर की तरफ पॉलिशिंग है। देखिए दो डायग्राम अलग अलग दिख रहे हैं हमें, एक में अंदर की तरफ पॉलिशिंग है, एक में बाहर की तरफ पॉलिशिंग है, ठीक। तो एक में देखिए कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? आउटवर्ड है। क्या है? आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, उभरा हुआ है कह सकते हैं आप। क्या है? बाहर की तरफ है। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कौन सा मिरर बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। और जिस मिरर का क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो, क्या हो? इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ। देखिए आप ऐसे अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ है, तो इसे क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। आप ध्यान रखें कि आप अपने हाथों में ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लाइट आई रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, ये कौन सी मिरर है? कॉनकेव मिरर। पॉलिशिंग बाहर की तरफ कर दी गई है, ठीक। अब मैं यही कहूँ कि अंदर की तरफ पॉलिश कर दूँ, हाथों में पॉलिश अंदर की तरफ कर दूँ, तो देखिए ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया? उभरा हुआ है कि नहीं? आउटवर्ड है, तो ऐसे ले आएगी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी ये कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही।